हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। पिछले मेरे वीडियो में मैंने आपको बिजनेस लॉ के आंसर्स के बीच में एग्जांपल डालना सिखाया था, जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों था। वो मेरा पहला पार्ट था। आज मैं उसी कड़ी में अगला पार्ट डालने जा रहा हूँ, जो कि पार्ट टू है। उसमें मैंने आज बिजनेस फाइनेंस का लॉन्ग और शॉर्ट दोनों लाया है आपके लिए, क्योंकि आप स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे एग्जाम्पल्स को पुट कराया उसमें बीच में, कि एग्जैक्टली वो हमें एकदम परफेक्ट इंप्रेशन देखे जाए। तो पहले बोर्ड पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बिजनेस फाइनेंस का एक अप्रोच लिया हुआ है, जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर का है। वो है MM अप्रोच, यानी मोती गिलानी एंड मिलर अप्रोच। तो आपको उसको अपने वर्ड्स में लिखना है, ऑथर अगर डेफिनेशन है तो, फिर एग्जाम्पल और फिर लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, अब इसके आगे करते हुए ये तो शॉर्ट में मैंने बताया, लॉन्ग में भी आपको यही प्रोसीजर होगा, बस उसमें जो पेज की क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। शॉर्ट आपका एक डेढ़ या बहुत होगा तो दो पेज जाएगा, लेकिन लॉन्ग आप लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लॉन्ग की तरह है, लॉन्ग जाएगा पांच या छह पेज। तो फिलहाल मैं शॉर्ट का एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, उसको देखिए। दोस्तों आपके सामने है शॉर्ट का एग्जाम्पल, जिसपे मैंने मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच लिया हुआ है। इनके अप्रोच के हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी की वैल्यू को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता, चाहे जैसा कैपिटल स्ट्रक्चर हो, डेब्ट और इक्विटी का चाहे जो भी रेशियो हो, वो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, आप मेरा तरीका भी देख रहे होंगे कि मैंने की वर्ड्स को यानी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, मैंने अंडरलाइन नहीं किया। उसके ठीक नीचे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको अगले पेज पे दिखाई देगा। ये रहा वो सॉल्यूशन जिसका मैंने इसके फेस पे आपको मेंशन किया था। आपको किस तरीके से निकालना है और ये बताना है इसमें कि MM अप्रोच किस तरीके से इस पर्टिकुलर थ्योरी को सपोर्ट करता है। ये एग्जांपल उसी का है। हमने MM थ्योरी में देखा कि 12.5% का रेट था, लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, तो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी होनी चाहिए, वो आपके सामने है, जो कि मैंने सॉल्यूशन में रखा हुआ है। और फिर उसके ठीक नीचे मैंने कंक्लूजन दिया हुआ है कि हम थ्योरी और न्यूमेरिकल पोर्शन को देखते हुए किस कंक्लूजन में पहुंचे हैं। तो कंक्लूजन यही था कि वैल्यू ऑफ द फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती। अब आपके सामने मैं लॉन्ग प्रेजेंट करूंगा। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आपका लिया है कैपिटलाइजेशन। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक बार बताया था, तो उसमें मैंने अपने आपको अपने वर्ड्स, फिर ऑथर, फिर एग्जांपल, और हाँ एग्जांपल में आपको एग्जैक्टली टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन बताना है, जो कि आपको लॉन्ग में लिखने होंगे। कैपिटलाइजेशन से दो प्रकार के होते हैं, ओवर और अंडर। तो आइए इसको और अच्छे समझने के लिए सैंपल देख लिया जाए। दोस्तों आपके सामने है कैपिटलाइजेशन, जो कि लॉन्ग आंसर है, उसका एग्जांपल। मैंने कैपिटलाइजेशन को एक्सप्लेन किया है और जो मुझे इंपॉर्टेंट लाइन्स है वर्ड्स लगे, इसको मैंने यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है। आप इसे ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। फिर मैंने ऑथर के वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, और फिर लास्ट में छोटा सा कंक्लूजन दिया हुआ है, जिसमें मैंने बताया है कि एग्जैक्टली कैपिटलाइजेशन क्या होता है। अब यहाँ आपने कैपिटलाइजेशन के कई कई सोर्सेज देखे। अब मैंने टाइप्स ऑफ क्लास कैपिटलाइजेशन एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें ओवर कैपिटलाइजेशन थ्योरेटिकल पार्ट, और मैंने एज आई हैव अर्लियर सेड कि मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस को ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया हुआ है, और इसमें मैंने इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स भी इसके दिए हुए हैं और कब ये ओवर कैपिटलाइज मानी जाती है वो बताया है। और इस पेज पे है आपका ओवर कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल, जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन है। इसको जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने एक बैलेंस शीट ली हुई है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और असेट्स को मैंने दिखाया है, और फिर उसी के बेसिस पे मैंने कंपनी को ओवर कैपिटलाइज कंक्लूड किया हुआ है। अब यहाँ पे कंक्लूजन स्टडी है लास्ट में। फिर मैंने नीचे अंडर कैपिटलाइजेशन को समझाया हुआ है, और उसमें भी सेम प्रोसेस किया हुआ है, कीवर्ड्स और की लाइंस को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है।
और अंडर कैपिटलाइजेशन कब होगा और कैसे होगा ये बताया हुआ है। अब इसका भी एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है जो कि नेक्स्ट पेज पे है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने फैक्टर्स एक्सप्लेन करते हुए एग्जांपल दिया है, इसमें भी मैंने बैलेंस शीट का ही इस्तेमाल किया है ताकि अंडर कैपिटलाइजेशन मैं आपको बता सकूँ। तो आपको एग्जांपल दिखाई भी दे रहा होगा और पढ़ने में भी आ रहा होगा कि मैंने किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व किया है और अंडर कैपिटलाइज्ड स्टेट को बताया है। और ये रहा लास्ट पेज जिसमें मैंने अंडर कैपिटलाइजेशन को कंक्लूड किया हुआ है उसको कंपेरेटिव स्टडी के रूप में। तो आपको भी एकदम ऐसे ही करना है और जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही फॉलो करते रहिए, पक्का आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों ये रहे आपके दोनों सैंपल्स। अब मेरा जो पार्ट थ्री आएगा वो होगा बिजनेस मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि इसमें भी आपको काफी दिक्कतें होती हैं कि एग्जांपल्स कैसे डाले जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।